मेकअप तो लड़कों के लिए होता है। हेलो गॉर्जियस पीपल, मैं हूं रितेश, यो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रितेश स्टार बॉय। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से ग्रे कर दीजिए और उसके आगे के नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से जान ही चुके होंगे कि आज का वीडियो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। मीनवाइल क्या अब लड़के भी मेकअप करेंगे? क्या लड़कियों के लिए मेकअप तो लड़कियों के लिए होता है। ऐसे लोगों की बातें एक कान से सुनकर तुरंत यू टर्न लेकर उसी कान से बाहर निकाल दे, क्योंकि ये दुनिया गोल है और यहाँ सबके डबल रोल है। एक तरफ इन्हें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, सलमान खान जैसे कई सेलिब्रिटीज पसंद तो होंगे ये जानते हुए भी कि वो एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा टाइम लगाते थे रेडी होने में, दूसरी तरफ इन्हें लड़कों को मेकअप करता हुआ देख के नेगेटिव कमेंट्स भी पास करने हैं। ब्रो 36 आएंगे 36 जाएंगे और ये लोग एक दिन थक के अपने आप ही चुप हो जाएंगे, तुम वो करो जो तुम्हें पसंद है। फिलहाल तो वीडियो को एंड तक देखो। तो जी ज्ञान काफी हो चुका है और अब वीडियो का फाइनली शुभारंभ कर ही देते हैं। स्टेप वन, मॉइस्चराइजिंग योर स्किन। तो जी जैसे अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए पानी बहुत जरूरी होता है, वैसे ही अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए एक अच्छा मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी होता है। मैं जो आज यूज करने वाला हूँ वो है अमूल का मॉइस्चराइजर। आप अपने स्किन टेक्सचर के हिसाब से कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो एक हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर लें, और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो एक मैट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर लें। स्टेप टू, अ गुड प्राइमर। तो जो मॉइस्चराइजर के बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है एक अच्छा प्राइमर। प्राइमर आपके स्किन के पोर्स को लॉक कर देता है जिससे कि आपका मेकअप आपकी स्किन के अंदर नहीं जाता है और आपको कोई स्किन इश्यूज नहीं होते हैं। आप कोई सा भी प्राइमर ले सकते हो, जो मैं आज ले रहा हूँ वो है एक एलोवेरा जेल, बिकॉज ये भी बहुत अच्छे प्राइमर का काम करता है। तो मैं एक पतंजलि का एलोवेरा जेल ले रहा हूँ, आप कोई सा भी प्राइमर ले सकते हो। प्राइमर लगाने से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। तो जी इसको हम 2-3 मिनट तक सेट होने देंगे और फिर इसके बाद हम अपने आगे के स्टेप पे बढ़ेंगे। प्राइमर आपके आगे के स्टेप्स के लिए बहुत स्मूथ और अच्छा बेस क्रिएट कर देता है। A few minutes later, मुझे 3-4 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने वाले हैं। Step 3, foundation and concealer. जो कि एक फाउंडेशन। मेरी स्किन ना बहुत ज्यादा ड्राई है ना बहुत ज्यादा ऑयली है, तो आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से फाउंडेशन पिक करें। इसको अपने पूरे फेस पे डॉटेड फॉर्म में अप्लाई करेंगे। फाउंडेशन लेते वक्त आपको केवल एक चीज ध्यान में रखनी कि फाउंडेशन आपको अपने शेड का लेना है, ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा लाइट। अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन को डॉटेड फॉर्म में अप्लाई करने के बाद हम यूज करने वाले डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर से हम इसको ड्रैग नहीं करेंगे, इसको हम टैपिंग मोशन में अप्लाई करेंगे ऑल ओवर द फेस, जिससे कि ब्लेंडिंग आपकी सीमलेस लगेगी। अपने शेड का फाउंडेशन पिक करने से ये फायदा होता है कि हमारी स्किन नेचुरली हेल्दी लगती है और हमारा फाउंडेशन इजीली ब्लेंडेड हो जाता है। अगर आपके स्किन पे पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है जैसे कि डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स या फिर एक्ने मार्क्स वगैरह, तो आप एक कंसीलर भी यूज कर सकते हो। मेरे फेस पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो मैं केवल अपने डार्क सर्कल्स को कंसील करने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ अ कंसीलर। जो लोग गोरा होने के लिए मेकअप करते हैं उनको नॉलेज नहीं होता प्रॉपर मेकअप का कि प्रॉपर मेकअप क्यों किया जाता है, बट जो मेकअप होता है वो आपकी स्किन टोन को इवन करने के लिए होता है। स्टेप 4, सेटिंग इट विद पाउडर। फाउंडेशन और कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम इसे सेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ लूज पाउडर। आप कोई सा भी पाउडर ले सकते हैं। पाउडर का काम केवल आपके फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने का होता है, गोरा होने का नहीं। सेट करने से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। Step 5, grooming your facial hair. जो नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ग्रूमिंग योर फेशियल हेयर्स। आपने कई लोगों को देखा होगा उनकी आईब्रोस टेढ़ी मेढ़ी हो रही होती हैं, उनकी बियर्ड टेढ़ी मेढ़ी हो रही होती है। जैसे कि सर के हेयर को ग्रूम रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही फेशियल हेयर को भी ग्रूम रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिससे हम अपने फेशियल हेयर को सेट करेंगे, हम लेंगे एक स्पूली। आप एक स्पूली कहीं से भी इजिली परचेज कर सकते हैं और हम अपनी आईब्रोज को अपने फेशियल हेयर को इवनली सेट करेंगे। अगर आपके पास स्पूली नहीं है तो या तो आप एक छोटा सा कॉम लेके अपने फेशियल हेयर ग्रूम कर सकते हो, या फिर आप एक पुराने मस्कारा का वॉन्ड लेके भी फेशियल हेयर ग्रूम कर सकते हो। फेस अपना डन हो चुका है।
स्टेप 6 टेकिंग केयर ऑफ योर लिप्स। बचे हैं अपने लिप्स, अगर आप चाहते हैं तो आप लिप पे कोई भी लिप बाम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लिप बाम मैं अप्लाई करने वाला हूँ वो है हिमालयन का लिप बाम। आप सिंपली एक लिप बाम अप्लाई करके अपने लुक को खत्म कर सकते हो। इसकी जगह अगर आप चाहें तो आप कोकोनट ऑयल भी अप्लाई कर सकते हैं। लिप बाम अपना अप्लाई हो चुका है और हमारा मेकअप डन हो चुका है। तो ये था हमारा आज का मेकअप ट्यूटोरियल फॉर मेन। अगर आप इस लुक को रिक्रिएट करने की सोच रहे हो तो मेरे को टैग करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है रितेश स्टार बॉय, आप जाके वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपना लुक मेरे को शेयर भी कर सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो वीडियो को एक बिग फैट थम्स अप जरूर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ या नहीं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, आई लव यू गाइस सो मच, मीट यू सून विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। एक्शन। क्या लड़कियों का मेकअप कर रहा है? मेकअप तो लड़कों के लिए होता है। स्टार्ट, दोनों गालों पे लगाना। अरे यार क्या अब लड़के भी मेकअप करेंगे?